भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी जिला मुख्यालय में सुप्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में जाकर माथा टेका। भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार को गति देने से पहले बाबा भूतनाथ के दर्शन कर उनसे अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कहीं वरिष्ठ नेता भी उनके साथ बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी सत्य क्षेत्र के तहत आने वाले भाजपा मंडलों के पदाधिकारी से मुलाकात की। प्रत्याशी ने साथ बैठक कर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार की और प्रचार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस बैठक में भाजपा प्रत्याशी हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सत्य चुनाव में जीत के लिए भी चर्चा की। हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सत्य चुनाव में जीत के लिए चर्चा भी की। भारतीय जनता पार्टी मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक भीमकाली मंदिर परिसर में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत, मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्बाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिल शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी, प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य, विधायक विनोद कुमार, सुरेंद्र शौरी, इंद्र सिंह गांधी, प्रकाश राणा, दलीप कुमार, लोकेंद्र कुमार, गौ जनक राज, पूर्णचंद, दीप कुमार, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता सहित प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और प्रत्याशी कंगना रनौत ने माता भीमाकाली में पूजा की और माता का आशीर्वाद लिया। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। चिल्ला के बोला है कि 1500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक हो गई, 15 महीने बीत गए, एक महिला को 1500 रुपए और 15 महीने बीतने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आ गया, उनको लगा कि फिर हमको लोग पूछेंगे। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बजट पर प्रावधान नहीं, बजट सत्र पारित होने के 5 दिन बाद घोषणा करते हैं हिमाचल प्रदेश की सभी बहनों को 15-15 सौ रुपए देने की घोषणा। फार्म भरने का कार्यक्रम चला हुआ, यही है वो नारी सम्मान। आपका विधानसभा के चुनाव में आपने झूठ बोल करके फार्म भरे, 15 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी महिला को आपने 1500 रुपए दिए नहीं। लोकसभा का चुनाव आ गया तो फिर 1500 रुपए के फॉर्म भरने का काम शुरू कर दिया। कितनी बार दहेज करोगे अपनी बहनों को, मां बहनों को, कितनी बार झूठ बोलोगे? ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपकी बात पूछ सकती। और आज मैं आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूँ, हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार वो टेक्निकल कारण से बच तो गई है, लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार उसी दिन गिर गई थी जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो 43 थे, 43 थे, 40 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक, और हम तो 25। कुछ लोग हमको पूछने लगे क्या फर्क पड़ता है, 2-3 लोग अगर क्रॉस वोटिंग करके, हमने कहा कोई फर्क नहीं। और जब राज्यसभा का चुनाव का परिणाम सामने आया तो वो 43 थे, 34 रह गए, हम 25 थे, हम 34 पर पहुंच गए। फिर एक संकट हो गया कि बराबर हो गए, अब कैसे हो गया, लेकिन आपने तो भरोसा बता के कोई वही जो राम नहीं चाहता। कांग्रेस ने कैंडिडेट वो लाए तो जो राम मंदिर के अस्तित्व को चुनौती दे रहे। राम पैदा के हुए कहां, किसने देखा, इस बात को लेकर के कह रहे थे मन सिंह विजी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तब हमें भरोसा है कि राम की कृपा मनुष्य पर नहीं हो सकती, राम की कृपा राम के आस्था रखने श्रद्धा रखने वाले लोगों के ऊपर होगी। भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकली और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी।